मित्रों, अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आपसे आग्रह है कि ट्रू मीडिया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और हां, सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो घंटी का निशान है उसे अवश्य दबाएं ताकि लगातार आपको वीडियो मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। देखिए, त्योहारों का मौसम है और त्योहारों में सबसे बढ़िया स्वादिष्ट त्योहार जो होता है वो होली का होता है। आज स्वादिष्ट मैंने क्यों कहा, क्योंकि स्वादिष्ट ये त्योहार होता है उन लोगों के लिए जिनका ब्याह नहीं हो पाता। वो लोग इंतजार करते हैं कि जब होली आएगी तो मजे आएंगे। तो होली पे मैंने खुद को उनकी जगह पर रखकर एक रचना लिखी है, वो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि अब की होली का था हमें बहुत इंतजार, क्योंकि पिछली 35 होली तो हो चुकी थी बेकार। ना मिली रुक्मणी, ना मिली थी राधा, उम्र बीत गई थी आधी से ज़्यादा। मन में आता था बस एक ही विचार कि कहीं वो भूड़ हत्या का तो नहीं हो गई शिकार। अब होली वाले दिन हमने पहले तो की पूजा, फिर बड़ों के छुए पैर, हर एक को गले लगाया भला के पुराने बैर। चारों ओर थी होली की वेव, हमने भी रंगों से भर ली अपनी जेब। बहुतों का तो बजाना था बैंड, और कम से कम एक बनानी थी गर्लफ्रेंड। अब देखिए उन रंगों ने मेरा क्या हाल किया। पहली लड़की ने रंग लगाने के पहले ही दे दी गाली, और दूसरी ने भी बेइज्जती कर डाली। तीसरी ने मुझको कहा जोकर, और पांचवी को मैं लगा लोफर, और छठवीं बोली अगर पास आएगा तो थप्पड़ मारूंगी। और सातवीं बोली भाग जा नहीं तो पुलिस बुला लूंगी। और मित्रों, आठवीं ने तो गजब ही ढा लिया, तुरंत फोन करके अपने बॉयफ्रेंड को बुला लिया। बोली डार्लिंग यही है बदमाश लोफर गुंडा, तभी पीठ पर जोर का पड़ा उसके बॉयफ्रेंड का डंडा। 2 घंटे रोया तब जाके मेरा दर्द पड़ा ठंडा, उसके बाद मैंने कभी नहीं उठाया प्यार का झंडा। तभी पिताजी या धमके वो भी सुनी आए थे मेरी कृष्ण लीला, और मित्रों उन्होंने तो बिना रंग के ही मेरा पूरा शरीर कर दिया लाल नीला पीला। वो तो अच्छा था घर में अम्मा की चलती थी, और अपनी और अम्मा की तो आपस में खूब रमती थी। हमने तुरंत अम्मा के चरण पकड़ कह डाले अपने सारे अरमान, और अम्मा ने तुरंत पिताजी को लड़कारा, और जारी कर दिया अपना फरमान, जब छोरा की शादी जानी चाहिए 2 महीना में। आनंद फानंद में पिताजी ने जब बेची अपनी दौलत आदि, तब जाके हो पाई मेरी पूरी शादी। अब एक भयानक पत्नी का मैं बन तो गया हूँ हस्बैंड, लेकिन दिल अब भी बेचैन है पाने को गर्लफ्रेंड। इसी गम में मैंने गली गली छान मारी है, और प्रेमिका की तलाश आज भी जारी है। मित्रों, अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आपसे आग्रह है कि ट्रू मीडिया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और हाँ, सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो घंटी का निशान है उसे अवश्य दबाएं ताकि लगातार आपको वीडियो मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।